हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बेस्ड ऑन केएल हैमिल्टन थ्योरम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स विच इज गिवन टू यू, दैट इज 2 1 1 0 1 0 1 1 2, एंड हैंस कंप्यूट ए इनवर्स, ऑल्सो फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस a8 - 5a7 + 7a2 - 3a2 - 5 + a4 - 5a³ + 8a² - 2a + i। तो आपको क्या करना है, इसमें आपसे तीन पार्ट पूछे गए हैं। पहला पूछा है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, सेकंड क्या करना है इसका आपको इन्वर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ केएल हैमिल्टन थ्योरम, और तीसरा क्या है ऑल्सो फाइंड द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स निकालनी है जो इससे रिप्रेजेंट होती हो। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सेकंड भी किया था और उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। सो सबसे पहले द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, ये आप जानते ही हैं। तो आप डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका, सो दैट इज 2 - λ, this is 1, this is 1, this is 0, this is 1 - λ, this is 0, 1, 1, this is 2 - λ = 0। नाउ अब इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, सो दिस इज 2 - λ एज इट इज, इस कॉलम को हटाएंगे, इस रो को हटाएंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट कर लूँ, तो पहले वन से करेंगे तो आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस लैम्डा से करेंगे, सो दैट इज माइनस ऑफ 2 λ, माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज लैम्डा स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 1 × 0 = 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे, दैट इज -1 × ये लेंगे, इस कॉलम को हटा देंगे और इस रो को हटा देंगे, तो जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0, और जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 0, राइट। फिर आप लेंगे 1 को, सो दिस इज +1 लास्ट वाला, इस कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटाएंगे, सो 0 × 0, एंड जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराते चलेंगे, तो 1 × 1 = 1, दैट इज -1, 1 × -λ इज -λ, दैट इज +λ इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए और इसको ओपन कर लेंगे, सो दिस इज 2 - λ, यहां देख लेंगे क्या है, दैट इज λ² -λ - 2λ इज -3λ, दिस इज +2, ओके, ये तो 0 हो गया, λ - 1 इक्वल टू 0, राइट। तो अब इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर कर लेते हैं हम लोग, सो दिस इज 2 × λ², सो दिस इज 2λ², दिस इज 2λ² -6λ और +4, देन -λ की मल्टीप्लाई करेंगे, -λ³, राइट, +3λ², राइट, फिर -2λ एंड देन +λ - 1, +λ - 1 = 0, और चेक कर लेंगे अभी क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो दिस इज -λ³, मार्क कर दीजिए जो जो हो जाएगा, -λ³ +3λ² +2λ² दैट इज +5λ², देन लेमडा -6λ, -2λ दैट इज -8, +1 दैट इज -7λ, राइट, +4 - 1 दैट इज 3 इक्वल्स टू 0, राइट। सो अब यहां पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस साइन की, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस इज λ³ -5λ² +7λ -3 इक्वल्स टू 0। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई आपकी, उसने पहले से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा है, फिर पूछा है ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स अब इसकी हेल्प से कैसे निकलेगा, तो हम लोग यूज करेंगे अपनी केएल हैमिल्टन थ्योरम, बाई केएल हैमिल्टन थ्योरम, बाई केएल हैमिल्टन थ्योरम,
वी हैव इसको वी हैव पढ़ेंगे। तो अगर मैं केले मिल्टन थ्योरम इसमें यूज करता हूं तो क्या करना, लैम्डा की जगह पर ए रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि वेरीफाई केले मिल्टन थ्योरम। तो जब ऐसा वर्ड आपको नहीं बोला है तब आप इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे, अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। सो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स वी गेट। तो ए इनवर्स किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में। तो जब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स, देन इट विल गिव यू ए स्क्वायर राइट माइनस ऑफ 5a राइट प्लस ए इंटू ए इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी आई माइनस 3a इनवर्स इक्वल्स टू 0 राइट। इस 3a इनवर्स को उधर ले जाएंगे और इसको रखेंगे राइट साइड में। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3a इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब क्या करेंगे, 3 से इसको करेंगे डिवाइड। तो इस 3 से हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले क्या करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप जानते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। ए हमें पता ही है ऑलरेडी, ए आपको गिवन है और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इन सबको एक साथ लिखेंगे और उसके बाद में जब इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे राइट। तो चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई। तो यहाँ से ये वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकाल लिया। अब ये चीज़ें आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई के लिए ये तो आपकी एज इट इज आ जाएगी 5 4 4, दिस इज 0 1 0, दिस इज 4 4 5 राइट। ये अभी एज इट इज रखिए, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई, तो प्लस मैं लगा लूँगा और माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर लूँगा अंदर। सो दिस इज माइनस 10 माइनस 5, दिस इज माइनस 5 0 माइनस 5 0, दिस इज माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 राइट प्लस 7 इंटू दिस। तो इस 7 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दिस इज 7 0 0 0 7 0 एंड 0 0 7 राइट। अब इनको आप लोग करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई एक ही लाइन में हो जाएगा। अब इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5, माइनस 5 प्लस 7 दैट इज 2 ठीक है। 4 माइनस 5 इज माइनस 1 ओके, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, माइनस 4 प्लस 7 दैट इज 3, नेक्स्ट इज 0 प्लस 0 प्लस 0 सो दिस इज 0, 4 माइनस 5 इज माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1, 4 माइनस 5 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1, 5 माइनस 10 इज माइनस 5 प्लस 7 इज 2, सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। तो अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ 3a इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल्स टू, इस 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा। यहां पर क्या कर सकते हो अब आप लोग, अगर आप कैलसी से चेक करेंगे तो इस 3 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो कैलसी में ऐसा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, दैट इज 2/3 माइनस 1/3 एंड माइनस 1/3 राइट। 0 3 वन जे 3 दिस इज 0, दिस इज माइनस 1/3 राइट, दिस इज माइनस 1/3 एंड दिस इज 2/3। सो दिस इज योर आंसर ऑफ ए इनवर्स। तो जो ये आपने ए इनवर्स निकाला है, तो जब कैलकुलेटर से आप लोग निकालेंगे तो इस टाइप का दिखाई देगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहां पर आपको छोड़ देना है, ये भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में एक तीसरा पार्ट है, तो तीसरे पार्ट में क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी थी आप केले मिल्टन थ्योरम का अपना यूज करते हुए, उस जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसको आपको डिवाइड करना है। तो चलते हैं, पहले आप उसको डिवाइड कर लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, केले मिल्टन थ्योरम का यूज़ करते हुए इस चीज़ इससे पॉलिनोमियल से आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड बिल्कुल वैसे ही करना जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में अपना किया करते थे। तो मुझे लेके आना a8, कितने की मल्टीप्लाई करोगे कि आपका a8 आ जाए इसमें। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें a^5 की। तो जब a^5 की मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये आपको देगा a^8। इसकी फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल गिव यू -5a^7। फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो +7a^6, राइट। और फिर लास्ट में इसके साथ तो -3a^5। तो जब आप माइनस करेंगे, जो आपका डिवाइड रूल है, तो इसको ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस, राइट। तो इसको आप लोग जब करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपका पूरा कैंसिल, ये आपका पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल और ये भी आपका पूरा कैंसिल। तो अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास में, दैट इज a^4 -5a^3 + 8a^2 - 2a+i। अब आपके पास ये है, तो ये लाने के लिए मुझे इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, a की। तो मैंने मल्टीप्लाई किया a से, तो a^3 = a^4 ये आ गया। फिर a की इसके साथ, दैट इज -5a^3 ये आ गया। फिर 7a के साथ, तो 7 into a = 7a², राइट। फिर -3 into a, दैट इज -3a। फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस, राइट। अब इसके बाद में ये कितना बचेगा यहाँ से, ये देख लीजिए, तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया। 8 - 7, दैट इज a² -2a + 3a, दैट इज +a एंड दिस इज +i। तो अब इसकी देखिए पावर इससे कम आ गई, तो अब तो इससे आगे डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपका क्या, रिमाइंडर। ये क्या हो गया, रिमाइंडर। तो बेसिकली मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट, तो किस तरीके से लिखेंगे, दैट इज a^8 - 5a^7 +7a^6, बेटे ध्यान से लिखेंगे सब लोग, -3a^5 +a^4 -5a^3 +8a² -2a + i। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका a^5 + a × क्या आ जाएगा, a^3 - 5a² +7a - 3i, दिस इंटू दिस, ये हो गया प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया, a² + a + i, राइट। तो इसकी वैल्यू तो जीरो है, हम लोग जानते ही हैं। तो ये हो गया कितना, a^5 + a × 0। ये कैसे जीरो है, बाय केले मिल्टन थ्योरम। हमने क्या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, फिर केले मिल्टन थ्योरम यूज किया था, तो इसकी वैल्यू में जीरो मिल गई थी। सो दिस इज जीरो प्लस a² + a i। सो अल्टीमेटली ये तो हो गया जीरो प्लस a². अब a² की वैल्यू आप लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी, a² + a + i, राइट। तो यहाँ पर अब इसको वैल्यू, अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। तो इसके लिए आप लोग a² निकालेंगे, फिर a निकालेंगे, फिर i निकालेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसको आप लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए, आपको क्या बहुत क्लियरली दिखाई देगा फिर, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया a² + a + i, a² विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आपने पहले भी a² निकाला था तो उसको यूज़ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एडिशन करनी है, तो एडिशन कर लीजिए इनका। सो दिस इज 5 + 2 = 7 + 1, दैट इज 8 4 + 1 = 5 + 0, दैट इज 5 4 + 1, दैट इज 5, दिस इज 0 0 0 = 0, 1 + 1 = 2 + 1, दैट इज 3 0 0 = 0, 4 + 1 = 5 4 + 1 = 5 + 0 = 5 5 + 2 = 7 + 1, दैट इज 8।
सो बेसिकली दिस इज योर आंसर। तो अगर आप बात करने के क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने किया था वो आपको दिखाना था लीनियर पॉलिनोमियल में, पर यहाँ क्या बोला है, रिप्रेजेंट दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म, सो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इन केस आपको कहीं कुछ डाउट लगता है या आपको चाहिए कि इस टॉपिक पर और क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।